नमस्कार दोस्तों, D80 न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जो है गोरखपुर ज़िला के बासगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सभा अतरौली में इस वक्त मौजूद हैं। और हम एक बात बता दें आपको कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पर दैनिक अवधेया टाइम्स पहुंचती है। और इस वक्त जो है हमारे पीछे देख सकते हैं एक ट्रक है, जो ट्रक यहाँ पर एक नाली है, उस नाली में पलटी हुई है। और इसी ट्रक में करीब सैकड़ों से भी अधिक बोरी जो है खाद का इसमें लोड था। और कैसे ये ट्रक जो है नीचे यहाँ पर पलट गया है, इसके विषय में आज यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और जो ड्राइवर साहब जो उस समय गाड़ी चला रहे थे, ये चीज़ें उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये गाड़ी कैसे पलटी खा गई, उनको कैसे रोड जो है कैसे नहीं दिखा, या रोड के बारे में उनके पास जानकारी था या नहीं था कि इस रास्ते जा सकते हैं या नहीं, इसके विषय में आज जानने का प्रयास करेंगे। और हम आपको पूरे तस्वीर जो है मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमारे पीछे वो गाड़ी है। आइए अपने कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा हमारे साथ चलकर आएँ और दिखाएं। यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात तो एक बोर्ड है, बिजली का जो है खम्मा है, ट्रांसफार्मर था जिसके ऊपर ये गाड़ी जो है गिर गई, ट्रांसफार्मर टूट गया है, पूरे ट्रांसफार्मर जो है इस ट्रक के ऊपर जो है गिर गया है। ट्रक जो है पूरी तरीके से जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट गया है, इसके पूरे कांच जो आगे सामने देख सकते हैं। ड्राइवर बाल बचे हुए हैं इसमें, उसमें केवल जो है ड्राइवर साहब ही थे और उसमें खलासी नहीं थे, ड्राइवर थे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन जानकारी मिला है कि ड्राइवर साहब जो है बाल बचे हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पर बिजली का जो है ट्रांसफार्मर था जो है टूट चुका है और इसमें से जो है कुछ तेल जैसा है वो निकल रहा है, गिर रहा है, लेकिन ये ट्रक के ऊपर ही पलटा था। उस समय यहाँ पर कौन कौन लोग थे मौके पर देखने के लिए, जो लोग देखे थे वो लोगों से हम बात करेंगे, प्रयास करेंगे। अभी ड्राइवर साहब हैं, ड्राइवर साहब से हम बात करेंगे। ड्राइवर साहब क्या नाम है अपना? नरेश जी, कहाँ से आ रहे थे ये गाड़ी लेकर? नकहा जंगल से। कहाँ से आ रहे थे? नकहा से आ रहे थे आप। यहाँ से जब अंदर घुसे हैं तो ये रोड की चौड़ाई नहीं दिखे का, हम गाड़ी इसमें घुस रहे हैं लेकर गांव के अंदर, कहीं ट्रक हमारा इधर आप पब्लिक था, हम उतर गए गाड़ी पर से, उससे पूछा भैया कि हमको जाना है पाली, इस रास्ते जाइए, मजे जाइएगा, हम इस रास्ते आए, बस यहीं आए। आप ही अकेले थे और कोई था? अकेले हम। घाव लगा, चोट लगा कैसे? नहीं, चोट नहीं लगा, बाल बच गए। हाँ, बाल बच। अब इसके बारे में जानकारी हम मालिक वाहन को कब दिए, जो गाड़ी जिनकी है, गाड़ी मालिक जो थे उनके पास कब ये जानकारी पहुंची? 7:30 बजे। ये आपके द्वारा पहुँचाया, गांव के लोग पहुँचाए? नहीं, हम पहुँचाए। क्या बताए थे कि गाड़ी गिर गई आपकी? गाड़ी पलट गई। अभी देख लीजिए, यहाँ पर हम अपने कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा दिखा दें। इस गाड़ी में जो है केवल ट्रक में ये खाद है और ये खाद ही लोड था जो अभी गिर गया है। बगल में नाली है, इसमें बगल में तालाब है, ये नाली जो है तालाब से जुड़ रहा है, ये नाली जो है तालाब से जुड़ रहा है और इसी नाली में ये गिरा था। और इस वक्त जो है मालिक हमारे साथ हैं, इनसे भी दो बात करेंगे। उसके बाद सर क्या नाम है अपना? सर ये गाड़ी गिर गई, इसके भी अच्छा SP सिंह। सर ये गाड़ी कैसे गिर गई और इसके बारे में जानकारी आपको कैसे कम मालूम पड़ा और इसके विषय क्या गिर गए? तो ड्राइवर तुरंत फोन किया हमें आपके पास, आप तुरंत भाग कर आए? तुरंत आए, सुबह एकदम खाली करवा रहे हैं कल से। और ये कहाँ जा रहा था सर ये गाड़ी? ये एक पार पाला क्या बोलते पाली पाली जा रहा था, पाली दुकान पे जा रहा था, आप भेजे मतलब वहाँ से लोड कर गोरखपुर से आ रहा था ही ना? गोरखपुर नकहा। अभी देख लीजिए, यहाँ पर रोड की चौड़ाई कम थी इसलिए जो है ट्रक यहाँ पर पलटी हुई है और नाली था, नाली के अंदर जो है गिर गई है गाड़ी। अभी इसमें से खाद निकाल कर इसके एक टाली के ऊपर रखा जा रहा है। और उधर कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा दिखा दे, एक GCB किरान भी आया है जिसके माध्यम से इसे आज जो है बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि अगला कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले हम आपको दिखा सकें। कैमरामैन अनुपमा के साथ राजकुमार प्रजापति, दैनिक उदय टाइम्स, गोरखपुर।